अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। उसमें आप लोगों को मैंने वार्न किया था कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इस तरह के, इस टाइम पे काफ़ी बैंक्स जो है ना, जैसे मीज़ान बैंक और मीज़ान बैंक का अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स, इसी तरह MCB का iSave, और इस तरह काफ़ी और बैंक्स ने अपनी एक प्रोडक्ट्स निकाली हैं जिसमें वो एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपनी मनी इन्वेस्ट कर देते हैं। मसलन आप 1 लाख रुपए उसमें डाल देते हैं और वो उन 1 लाख को जिधर भी बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट वगैरह कमाते हैं और वो फिर प्रॉफिट आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ ऐसा पहले वार्न इस वजह से किया था कि मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी कि जो अल-मीज़ान का म्यूचुअल फंड है वो उस टाइम पे मतलब प्रॉफिट के बजाय लॉस पे जा रहा था। वो इस तरह से कि ये सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो मैक्सिमम डिपेंड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उन दिनों स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही थी और काफ़ी स्टीपली, स्टीप कर्व थी उसकी, काफ़ी स्टीपली नीचे जा रही थी वो, इस तरह के जब आज से 7 साल पहले जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी, तो उस वक्त जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो मुल्क काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो उस वक्त जो है वो हमारी इकोनॉमी थोड़ी नीचे जा रही थी, लेकिन एक जगह पे जाके वो स्टेबल हो गई थी और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज भी इकॉनमी के साथ ऊपर जाने लगी और वो एक पीक उसने हिट किया था 52,000 पॉइंट्स का या 53,000 जो भी उसका एक स्केल होता है उस पर। और उसके बाद आखिरी 1 साल काफ़ी अनसर्टेन था जब नवाज शरीफ पे केसेस चले और गवर्नमेंट गई, तो उसके बाद से मार्केट इतनी तेज़ी से गिरना शुरू हुई और उसके बाद ना सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में, फिर इलेक्शंस के दौर में, इलेक्शंस के बाद इमरान खान के पहले तकरीबन साल में भी इसी तरह वो नीचे से नीचे जा रही थी, क्योंकि इन्वेस्टर्स के जहन में जो है वो खदशात थे काफ़ी किस्म के कि मुल्क की इकॉनमी दोबारा स्टेबल हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। इकॉनमी नीचे जा रही थी और उसके साथ स्टॉक्स भी जा रहे थे नीचे। मीनवाइल ये जितनी भी म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं ये एडवर्टाइज़ किए जा रही थी कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें और मुनाफा कमाएं, जबकि ये चीज़ आप उसके टर्म्स में जाके जब डीपली पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इनमें से अक्सर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे डिपेंड करती हैं, तो वो उसके साथ वो भी नीचे जा रही थी। लेकिन अभी 28,000 पॉइंट्स पे जब हमारी मार्केट गई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो एक रॉक बॉटम था, उसके बाद फिर बहुत ही तेज़ी से मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया। तो जैसे ही उसने रिकवर करना शुरू किया, साथ ही ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह ने भी रिकवर करना शुरू किया, क्योंकि वो उन जो भी बैंक्स हैं उन्होंने वो पैसा उधर ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता है, तो इस टाइम पे वापस हमारी मार्केट जो है वो 42,000 पे पहुंच चुकी भी है और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड्स ही है इस टाइम पे। अगर इंशाल्लाह मुल्क के हालात इसी तरह रहे और कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना आई तो ये इसने ऊपर ही जाना है अब, और कुछ फ्यूचर में जैसा कि ये अभी फजलुर रहमान का एक नाकाम किस्म का धरना हुआ है और इसके अलावा भी फ्यूचर में कोई इस तरह चांस नहीं लग रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही जो कि करंट गवर्नमेंट को टॉपल कर सके, या तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वक्त मार्केट ऊपर से ऊपर जा रही है। और इस चीज़ की भी अब मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि अल-मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स में जो भी इन्वेस्टेड पैसा है वो अब बढ़ रहा है, और इसके अलावा जितने भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, काफ़ी बैंक्स ये म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करते हैं, उन सब का भी ट्रेंड अपवर्ड जाए। तो अब जब अगर आप पैसा डालेंगे तो जब तक ये मार्केट ऊपर जा रही है आपके पैसे भी इसी तरह ग्रो करेंगे। अच्छा, इसके अलावा इट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, लेकिन उसमें एक मसला ये है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है काफ़ी ज़्यादा, और उसमें आपको 1-2 कंपनीज की पुरानी पूरी हिस्ट्री पढ़ के और उस पर पक्की नज़र रख के कि उसका पुराना क्या ट्रेंड था, कब नीचे गया, उसकी न्यूज़, इवन कंपनीज की इंटरनल न्यूज़ पे भी डिपेंड करता है
कि अगर कोई कुछ डाउन साइजिंग होने वाली है या कोई और इंस्टेबिलिटी इंटरनल आने वाली है, तब भी उसका स्टॉक नीचे चला जाता है। वो नॉर्मली मुल्की इकोनॉमी पे भी मुनासिर होता है, लेकिन उसके इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, तो उसमें रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर बेस्ट स्टार्ट यही हो सकता है कि आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें, अगर कोई करना चाहता है तो इट इज़ द बेस्ट टाइम। और बाकी आप फ्यूचर को कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, अगर कुछ भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो जाहिर है वो फिर नीचे जाएगा, वो फिर सारे रिस्क होते हैं अपने। और इसके बाद इसके अलावा जो जो भी म्यूचुअल फंड होगा, आप किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप पूरा बैंक से भी और जो भी वो म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर है उससे भी आप पूरी डिटेल्स वगैरह उसकी कंफर्म कर लें कि ये किन फैक्टर्स पे होता है, और अपने प्रॉफिट्स और उनके उनका जो हिस्सा होता है उस पर भी देख लें। अक्सर मसलन अल मीज़ान का इस तरह था कि मसलन 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर 3,000 आपको, यानी कि 3% आपको अल मीज़ान को वैसे ही देना पड़ता है, वो उसकी फीस काट लेते हैं। नॉर्मली ये म्यूचुअल फंड्स में इसी तरह विड्रॉल और इन्वेस्टमेंट पे ही अपनी फीस वगैरह काटते हैं, तो अगर नुकसान होता है तो उनको इतना नुकसान नहीं होता होगा, लेकिन प्रॉफिट में वो अपना काट रखते होंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी टर्म्स पे, वो टर्म्स को अच्छी तरह से समझ लें। और अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इस टाइम पे स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं वो आके, उनके लिए एक ये भी बेस्ट मौका है इस टाइम पे जिसकी बस है आजकल, क्योंकि इकोनॉमी इज मच मोर स्टेबल राइट नाउ। इस तरह की और मुख्तलिफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे टैप करना ना भूलें। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।